इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। स्वर्गीय मामा बालेश्वर दयाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशलगढ़ में पॉक्सो एक्ट, नशा मुक्ति एवं रक्तदान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन मुख्य अतिथि रूपसी राठौर, पुलिस उपाधीक्षक कुशलगढ़ एवं प्राचार्य महेंद्र कुमार दीपन की अध्यक्षता में हुआ। पुलिस उपाधीक्षक रूपसी राठौर ने बताया कि पॉक्सो एक्ट 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों पर समान रूप से लागू किया जाता है। पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता जैसे जघन्य अपराधों से बचाना है। उनसे होने वाले अपराधों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। जागरूकता द्वारा अपराध के दलदल में फंसने से बचाया जा सकता है। महाविद्यालय में पॉक्सो एक्ट पर आधारित बांसवाड़ा पुलिस रेंज द्वारा निर्मित लघु चलचित्र रोहित के सपने दिखाई गई। रोटरी क्लब कुशलगढ़ के अध्यक्ष प्रतीक मेहता ने युवाओं को नशा मुक्ति के संबंध में तार्किक रूप से नशा प्रवृत्ति के शारीरिक एवं आर्थिक नुकसान को बताते हुए नशा मुक्ति का संकल्प दिलवाया। रेड क्रॉस सोसाइटी बांसवाड़ा के सदस्य राहुल सराफ व नीरज पाठक ने युवाओं को रक्तदान के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि योग्य व्यक्तियों को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। रक्तदान से हम किसी का जीवन बचाकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। रक्तदान करने से रक्त कम नहीं होता, अपितु शारीरिक संतुलन के लिए रक्तदान आवश्यक है। प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों से संगोष्ठी के उद्देश्य को आत्मसात करते हुए नशा मुक्त जीवन जीने, अपराध से दूर रहने एवं जीवन में रक्तदान करने के लिए आगे आने का आह्वान किया। जिसमें अपराधी के बच निकलने की कोई गुंजाइश नहीं। सब हम देखेंगे और उसे कुछ कह रहे हैं, कह सकता मेरे फाजिल दोस्त ये बोल रहे हैं कि रोहित पर मुकदमा पॉक्सो कानून के तहत किया जा रहा है और पॉक्सो कानून में नाबालिग की सजा साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन करने के बाद स्पष्ट होता है कि रोहित ने निविता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, जबकि निविता और मैच 15 वर्ष के नाबालिग है। इसलिए ये अदालत पॉक्सो एक्ट के तहत अभी रोहित को 20 वर्ष की प्रमुख कारावास की सजा है। देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।